ऐसी कृपा करिए। शंकर भगवान कहते हैं क्या मांगना है मांगो, ब्रह्माणी कहती है भोलेनाथ करुणा करो, जो जो भी किसी भी रूप में एक पान के पत्ते के ऊपर मात्र पान जानते हो, वो खाने वाला जो पान करता है उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे। महाराज उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, रवि का पुष्य योग पड़े उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर पार्वती और सरस्वती का स्मरण कर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चढ़ाकर पांच बेलपत्र तीन समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चढ़वा देते हैं, वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विद्या में बढ़ता ही पड़ता है। पलटकर माँ बाप को देखना ही नहीं पड़ेगा, बच्चे को कभी भी आपको कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठो, खुद पढ़ेगा, रुचि से पढ़ेगा। पांच बेलपत्र तीन समी पत्र समर्पित कर दें, भगवान शंकर का स्मरण करें और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आए, बच्चा विद्या में प्रबल होता है। 8 जनवरी को पहला 2023 का रवि पुष्य योग बन रहा है, तो अपने बच्चों से इस उपाय को जरूर कराएं। बहुत ही छोटा शिव महापुराण का उपाय है, चमत्कारी है। पान का पत्ता, चंदन, तीन शमी पत्र और पांच बेल पत्र का छोटा सा उपाय है, अपने बच्चों से कराएं, जिससे बच्चे पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ बने, कभी उनको पढ़ने के लिए बोलना ना पड़े। गुरुदेव द्वारा बताए सारे उपाय आपको अपने इस चैनल से प्राप्त होते रहते हैं, फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं कमेंट जरूर करिए, हम उनके उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। 8 जनवरी आने ही वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।